हेलो भाई लो, क्या हाल चाल। तो यार मैं आ चुका हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो यार इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूसी कैसे परचेज़ करनी है पबजी के अंदर, और आप लोग अपना आरपी कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ मैं अपने अकाउंट से लॉग इन हूँ, और मेरे पास यूसी के नाम पर सिर्फ है 2 पैसे, 2 यूसी, 2 कौड़ी, जो भी आप कहना चाहें। तो फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं और कैसे आपको यूसी परचेज़ करनी है। तो फिलहाल आपको दिखा होगा कि मैंने आरपी अभी तक अपग्रेड नहीं करी है, और यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है जबकि जो ऐसा नॉर्मल होता है। आरपी के पॉइंट्स भी मैं कलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि मेरी आरपी अपग्रेडेड नहीं है। तो ये सब मैं आपको करके बताऊँगा इस वीडियो में, और बस आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने हैं और आप लोग भी यूसी परचेज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलो इस वीडियो में आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना है मेधास बाय, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है हमें। पेज होने के बाद आप लोगों को पेज कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे प्लेयर आईडी वेरिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बस आप लोगों को ये करना है कि अपनी प्लेयर आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और ओके करना है, और ओके करते ही वो आपका प्लेयर आईडी डिटेक्ट कर लेगा, और जो भी आपकी गेम आईडी होगी, निकनेम होगा आपका गेम के अंदर, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे प्लान्स वगैरह दिख जाएंगे आराम से। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है रीजन, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक का एक दिख रहा होगा, उसके लेफ्ट साइड में जो आइकन है वो है अदर रीजन्स का। वहाँ अगर आपको इंडिया का मैप दिख रहा है तो उस पर आपको क्लिक करके अदर रीजन्स पर क्लिक करना है। अदर रीजन्स पर क्लिक करने के बाद आपको पेज ऐसा खुल जाएगा। इस पर ओपन करने के बाद आपको सिर्फ टॉपअप पर क्लिक करना है। टॉपअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, और इस पर जितने भी जो भी ऑफर्स हैं, जो भी प्लान्स हैं जो आप ले सकते हैं, जो भी यूसी आप लोगों को पबजी में दिखाई देती थी, वो सारे प्लान्स आप लोगों को यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसा आपको जो भी करना है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 600 यूसी प्लस 90 वाला प्लान, ठीक है, जो कि पड़ेगा $9.9 का, और ऊपर आपको मेरी गेम दिख रही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में कार्ड से पेमेंट करने का और रिजर्व गोल्ड से पेमेंट करने का। तो फिलहाल आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और इसे गोल्ड से भी कर सकते हैं। कार्ड में ही आपको दिखाएगा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रहा है, लेकिन आप उस पर अपना डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कार्ड से क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को वीपीएन कनेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीपीएन के बिना आप यूसी परचेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पबजी बैंड है इंडिया में, ठीक है। तो वीपीएन कनेक्ट कर लें, और जो भी आपके पास है ऐप, मेरे पास विंडोज़ क्राइब है और वही मैं यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पे बस अपनी डिटेल्स फिल करनी है, कार्ड नंबर देना है, सिक्योरिटी पिन देनी है, और एक्सपिरेशन डेट और कार्ड होल्डर का नाम जो भी है वो देना है, और अपनी ईमेल आईडी। एंड हाँ गाइस, हो सकता है कि जब आप पेमेंट पे क्लिक करें स्टार्टिंग में तो वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछे, तो आप डेट ऑफ बर्थ भी आपने डाल सकते हैं वहाँ पर, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करना है, और ये जो पेज है अपने आप से लोड होके कुछ इस तरह दिखेगा आपको कि योर परचेस वॉज सक्सेसफुल एंड आपकी यूसी, आपने जो भी परचेस करा है वो मिल चुका है। अब बस इसको चेक करने के लिए आपको अपने अकाउंट पे जाना है, एंड हाँ गाइस, वीपीएन जरूर बंद कर लेना पबजी ओपन करते टाइम। अब देखो गाइस, मैं अपने अकाउंट में आ चुका हूँ, और मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास सिर्फ 2 यूसी थे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 452। अब वो इसलिए क्योंकि मैंने जो है यूसी आरपी ऑलरेडी अपग्रेड कर ली है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि सारे अनलॉक हो चुके हैं, ड्रेसेस भी हमें मिल चुकी, और मेरे पास 300 यूसी का वाउचर पड़ा था तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया, तो मेरे को सिर्फ 300 की पड़ी आरपी। और ये ड्रेस मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है पहली, और आपको हाथ में मेरी डीपी की स्किन दिख ही रही होगी। मैं वाली ड्रेस चूज़ करना चाहता था लेकिन मेरे पास ऑप्शन आया ही नहीं उसको सेलेक्ट करने का, और ये ऐना वाली ड्रेस खुल गई। तो जो भी है, आरपी हमारी यहाँ खुल चुकी है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा आराम से, यूसी भी मिल चुकी है, आरपी भी ओपन हो चुका, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अपना जो भी है यूसी परचेस कर सकते हैं, अगर आपका ग्लोबल वर्जन अभी भी चल रहा हो तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कोई डाउट हो इसमें परचेसिंग में, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो पे, और मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।